सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल से भी बात की है हमारी टीम ने, जिसमें उन्होंने क्या आरोप लगाए वो अब आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए के वोटरों को मतदान से वंचित रखने की कोशिश होगी। कुंदरकी के और मीरापुर में मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई है। तो कुंदरकी और मीरापुर में मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, ये आरोप लगाए गए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो पत्र आप लोगों ने लिखा है, क्या मांग की गई है, क्यों ये पत्र लिखने की जरूरत पड़ रही है? समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संज्ञान में ये बात डाली गई है कि चुनाव होने के पहले से ही मतदाताओं के आईडी एकत्रित किए जा रहे हैं। 9 विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं, बड़ी संख्या में ये मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, इसी प्रकार से अन्य विधानसभाओं में भी ये कहीं कोटेदार के माध्यम से, कहीं पुलिस के माध्यम से, कहीं अन्य तरीकों से लोगों की आईडी मांगी जा रही है। और एक दिन तो उधर मुरादाबाद की सीट पर ये कह दिया गया कि केवल वोटर आईडी जो है उसके माध्यम से वोट दी जाएगी। लोग भयभीत हुए। वो जिलाधिकारी के द्वारा ये जानकारी दी गई थी, और जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा 12 पहचान पत्र हैं, उन पहचान पत्रों के माध्यम से लोग वोट दे सकते हैं। मतदाताओं में भय उत्पन्न किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ भी जो है वोट न देने पावे, इस प्रकार का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहीं यशो के माध्यम से, कहीं अन्य तरीकों से मतदाताओं को भयभीत करने का काम किया जा रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से सभी वोटर्स अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, तभी लोकतंत्र बच सकता है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और इसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? उनकी मंशा है कि जो इंडिया अलायंस के लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और भारत के संविधान में जो लोकतंत्र है और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है वो खतरे में है, उसको बचाने के लिए जब